So we know for a fact that Comedy Nights with Kapil is one of the most talked about reality show of today's time. Celebrities show mein aate hain and we witness a fun banter. My latest episode mein Kapil Sharma shared a funny incident and apni wife ke bare mein bhi unhone kuch khulase kiye hain. Ji haan. So what is that surprise? Ye sab jaane se pehle aur details mein jaane se pehle. Hello, I'm Resham and you're watching DNP Firstly. Welcome back to our channel. In case agar abhi tak aapne hamare channel DNP ko subscribe nahi kiya, then what are you waiting for? Please kar le. Thank you. So Kapil Sharma इस समय बड़े परेशान हैं और इसकी वजह है उनकी पत्नी गिन्नी की नाराजगी। जी हाँ, दरअसल कपिल शर्मा जब अपने शो का शूट खत्म करके घर जाते हैं तो एकदम चुप हो जाते हैं और बात तक नहीं करते हैं। कपिल शर्मा ने इस बारे में खुद हाल ही के एपिसोड में खुलासा किया है। सो लेट मी टेल यू कि कपिल शर्मा के शो के लेटेस्ट एपिसोड में न्यूज एंकर श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी आई थी। कपिल शर्मा ने उनसे पूछा कि क्या स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद उनका किसी से भी, जी हाँ किसी से भी बात करने का मन करता है। जवाब में अंजना ने कहा, स्टूडियो से बाहर आने के बाद मैं कुछ देर के लिए चुप रहती हूँ और किसी से बात करने का बिल्कुल भी नहीं मन करता। और ऐसा कपिल ने क्यों पूछा? Well, let me tell you. Well, उन्होंने जैसे ही ये आंसर सुना तो उतना सुनते ही कपिल शर्मा कहते हैं, सच में ना, तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यही बात मेरी वाइफ दैट इज गिन्नी को समझाएं, क्योंकि वह हमेशा ही शिकायत करती है कि मैं बात नहीं करता और घर में चुप चुप रहता हूँ। वह बिल्कुल नहीं समझती है, जब भी मैं घर जाता हूँ तो चुप रहता हूँ। गिन्नी को लगता है कि मैं उससे क्यों बात नहीं कर रहा हूँ जबकि मैं चुप नहीं रहना चाहता, पर स्थिति ऐसी होती है कि मेरा कुछ देर शांत रहने का मन करता है। और शायद क्योंकि वो घर में इतना चुप रहते हैं आफ्टर यू नो पैकिंग अप, इसलिए गिन्नी जो है उनसे नाराज हो जाती है। और इसी के बारे में उन्होंने अपने लेटेस्ट एपिसोड में बात भी करी है, जहाँ अंजना कपिल शर्मा की इस बात से सहमत होती हैं और फिर वह स्क्रीन की तरफ मुंह करके गिन्नी को समझाती हैं। वहीं कुछ महीने पहले कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक सेल्फी वीडियो शेयर किया था जो कि गिन्नी के लिए था। जी हाँ, यह वीडियो उनके टूर का था, मतलब एक पुराने टूर का था। और वीडियो में कपिल शर्मा कह रहे थे कि गिन्नी तो मेरी कभी नहीं सुनती, देख कितने लोग मुझे सुनने आए हैं, वो भी टिकट खर्च करके। इतना कहकर कपिल शर्मा जोर जोर से हंसने लगते हैं। हालांकि इस वीडियो को शेयर करने पर कपिल ने तुरंत ही वाइफ गिन्नी से माफी भी मांग ली थी इन अ फन वे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कपिल शर्मा ने गिन्नी से 12 दिसंबर 2018 में शादी की थी। वो 2019 में बेटी अनायरा के पेरेंट्स बने थे और 2021 में बेटे को जन्म दिया था। जब कपिल शर्मा और गिन्नी की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी, जिसके बारे में, जी हाँ, उन्होंने अपनी लव स्टोरी के बारे में शो में भी बताया था। वेल, कपिल शर्मा का ये जो क्यूट जेस्चर्स होते हैं एंड ऑल्सो हिम टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ, इस पर आपका क्या टेक है? आई वुड रियली वॉन्ट टू नो योर टेक ऑन द शो एंड ऑफकोर्स about Kapil Sharma in the comment down below. And that was all for today's entertainment related segment. Agar aapko hamara aaj ka content or video pasand aaya, then please not forget to like, share and subscribe to DNP. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP.